छुट्टी का प्लान कर रहे हैं, केरला जाने की सोच रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे केरला के व्लॉग आएंगे। हम निकल पड़े हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, हम जा रहे हैं मुंबई से केरला की तरफ। अगर अपनी छुट्टी खुद प्लान करना चाहते हैं, बजट ट्रैवल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी एक भी वीडियो मिस मत करिएगा क्योंकि हम भी सेम चीज़ कर रहे हैं। हमने कोई पैकेज नहीं लिया है, सारी छुट्टी हम खुद प्लान करते हैं। थाईलैंड की वीडियो भी हमने खुद ही प्लान किए थे, खुद जाके देख सकते हैं। या तो अगर आप पैकेज भी लेना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए पैकेज में आपके क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। हम पहुंच चुके हैं मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि बहुत ही बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत। मोस्टली आपको यहीं पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ट्रैवल करते हुए दिख जाएंगे, जितने भी वीडियोज़ वगैरह बनते हैं वो सब इधर ही बनते हैं उनके। और मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि आपको आप चलते चलते थक जाएंगे अगर आपका गेट नंबर दूर होगा तो। तो ये रही मैं और मुझे रिकॉर्ड कर रहा है पंकज, और अंकिता हमें मिलने वाली है यहीं एयरपोर्ट पे। हमारी फ़्लाइट है अर्ली मॉर्निंग की, तो इसलिए मैं तो सोई नहीं हूँ रात भर। आप जो फ़्लाइट बुक करेंगे, मैं आपको बोल दूँ कि बहुत पहले बुक कर लीजिएगा ताकि आपको रीज़नेबल प्राइस पे आपकी फ़्लाइट मिल जाए, आने जाने दोनों की। तो हमेशा फ़्लाइट, आपको मालूम ही होगा कि जल्दी पहुंचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर फ़्लाइट होगी तो हमेशा क्यों लंबी मिलेगी आपको, अंदर जाने के लिए भी और बोर्डिंग पास लेने के लिए भी। तो यहाँ हम मेन गेट पर है अंदर जाने के लिए, और पंकज बोल रहा था कुछ वीडियो में बोलो, मैंने कहा कि अब ये बाद में बताया जाएगा, तो अंदर चलते हैं क्योंकि हमें लगा कि पहले सबसे पहले जाके बोर्डिंग पास वगैरह ले ले, लगेज सबमिट करवा दे, फ्री हो जाए, उसके बाद फिर इधर उधर घूमा जाए। तो अंकिता की फ़्लाइट डिले हो गई थी, वो दिल्ली से आ रही थी, और एक फ़्लाइट डिले हो गई थी यहाँ, तो यहाँ पे क्लैश हो रहा था, जल्दी जल्दी में उसको डोमेस्टिक एयरपोर्ट से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आना पड़ा। फ़्लाइट में हम बैठ चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि हमने बुक करी थी एयर इंडिया की फ़्लाइट। अगर आप एयर इंडिया की फ़्लाइट बुक करते हैं तो आपको वहाँ पे फूड मिलता है, मील इंक्लूड होता है। तो अगर आप सुबह जाएंगे तो ब्रेकफास्ट, दोपहर में जाएंगे तो लंच, रात में जाएंगे तो डिनर मिलता है। हमारी सुबह की फ़्लाइट थी तो इसलिए हमें मिला ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में उन्होंने दिया ये सैंडविच, ये जूस दिया जो कि मैंने बिल्कुल नहीं पिया था क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रूट वाला था, और ये दिया है पनीर काठी रोल। और मैं आपको बता दूं कि इसमें वेज और नॉन वेज दोनों के ऑप्शंस होते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कोची एयरपोर्ट पे, यानी कि केरल में, और अब आपको बैक टू बैक केरल के व्लॉग्स दिखाई देंगे। ये देखिए केरल का, यानी कि कोची एयरपोर्ट है, केरल में दो एयरपोर्ट है, एक कोची वाला एक त्रिवेंद्रम वाला। तो हम लोग लौटते समय त्रिवेंद्रम से जाएंगे। तो हर बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी फ्लाइट से उतरते हो तो एक ही ऑप्शन होता है उतरने का, या तो आप उतर के बस से जाओगे एयरपोर्ट पे, या फिर जो एयर ब्रिज बना होता है उससे डायरेक्ट एयरपोर्ट पे पहुंच जाओगे। बट हमारी फ़्लाइट एकदम अलग थी क्योंकि जो आगे वाले गेट से निकल रहे थे वो सीधे एयर ब्रिज से एयरपोर्ट पे पहुंच रहे थे, जो पीछे वाले गेट से निकल रहे थे वो बस लेकर जा रहे थे एयरपोर्ट पर। तो हम पहुंच चुके हैं कोची एयरपोर्ट पर, और कोची एयरपोर्ट पर जैसे आप बाहर निकलेंगे अलग ही नज़ारा है, देखिए बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा लगेगा कि आप फॉरेन की किसी कंट्री में पहुंच गए हैं। बाहर निकलते आपको बहुत सारे कॉफ़ी शॉप दिख जाएंगे और बहुत सुंदर सुंदर ग्रीनरी दिख जाएगी, इतना अच्छे से डेकोरेट किया गया है एयरपोर्ट को, अच्छा लगेगा। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा एयरपोर्ट है, क्यूट सा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते आपको ज़रूर मन करेगा कि आप अपने वीडियोज़ या फ़ोटोज़ खिंचा लें। एयरपोर्ट से बाहर आते ही आपको चिंता होनी चाहिए टैक्सी की, कि आपको होटल कैसे पहुंचना है। हमने प्लान किया था कोची से मुन्नार जाने का, और बहुत सारे लोग कोची में रुकते भी हैं, बट हम कोची नहीं रुकने वाले थे, हम जाने वाले थे डायरेक्ट मुन्नार। तो मैं पहुंच चुकी हूँ केरला, अभी हम हैं कोची एयरपोर्ट पे, जो कि बहुत ही सुंदर है, मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। और यहाँ मैं तीसरी बार आई हूँ, मतलब केरला, और लेकिन उससे पहले रिकॉर्ड नहीं करती थी, लेकिन इस बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कि कितना सुंदर है कोची एयरपोर्ट। वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि एयरपोर्ट पर आकर बुक करते हैं टैक्सी,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, बहुत सारे टैक्सीज के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप जितने भी दिन रुकने वाले हैं, मान लीजिए 3-4 दिन 6 दिन, तो आप अपनी टैक्सी उसी हिसाब से बुक कर सकते हैं, आपको रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा। हर किसी का रेट अलग होता है। यहाँ पे नॉर्मली ये होता है कि 800 किलोमीटर आप अगर चलेंगे उसका किराया तय होता है, और उसके ऊपर कुछ लोग 15 रुपये पर किलोमीटर लेते हैं, कुछ लोग 16 रुपये पर किलोमीटर लेते हैं। हमने जो टैक्सी बुक करी थी वो हमारे किसी दोस्त ने बताया था, क्योंकि वो पहले केरला घूम चुका था, तो हमने सोचा कि उसकी ट्रिप अच्छी थी उसके अकॉर्डिंग, तो हम भी उसी को बुक कर लेते हैं। तो हमने 7 दिन के लिए उसको बुक कर लिया था। अब आप सोचेंगे कि 7 दिन के लिए बुक करने की क्या ज़रूरत है। मैं आपको बता दूँ, केरला बहुत बड़ा है, और पहले तो आप मुन्नार पहुँचेंगे, तो वहाँ आपको थोड़ी सी दूरी जाने के लिए ही, मान लीजिए अगर आप वहाँ से टैक्सी करने की सोचेंगे कि वहाँ से कोई और टैक्सी ले लेंगे, तो वहाँ पे ही आपको 1,000-1,500 रुपये यूँ ही बता देंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको लगेगा कि आपका नुकसान हो गया। इसलिए आपको, अगर आप ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हो, उस हिसाब से एक गाड़ी बुक करके रखिए, क्योंकि इधर उधर जाने में आपको गाड़ी तो लगेगी। हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट से, और हम जा रहे हैं सीधे मुन्नार, जहाँ पे हमने होटल लिया है, और अभी समय लगेगा, शायद 2-2.5 घंटे लगेंगे, 2.5 घंटे शायद। तो अभी पेट्रोल भराने के लिए रुके हैं, और ये मैंने इसलिए टांगा है क्योंकि धूप हो रही है बहुत तेज की, मतलब लग रही थी मुझे, तो इसलिए मैंने ये टांग दिया था। तो अभी पेट्रोल भर रहा है, उसके बाद मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई हूँ, और अभी मेरे को नींद आ भी नहीं रही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लेती हूँ, और बस अभी कोशिश करूँगी कि इसको जल्दी से जल्दी जल्दी एडिट करके अभी के अभी इसको अपलोड मार दूँगी, और बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे अब केरला के। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं एक्सप्लोर करूँगी, और आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी जो कि मुझे नहीं मिल पाई अब बाकी वीडियोस में। तो हम जा रहे हैं कोची से मुन्नार की तरफ, उसके बारे में मैं आपको अभी आके बताऊँगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत ही साफ़ सुथरा है। कोची के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जितने भी मलयालम सेलिब्रिटीज़ हैं वो कोची में रहते हैं। तो हम एक जगह रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, पहले तो हमारा प्लान नहीं था ब्रेकफास्ट करने का, फिर हमने सोचा कि चलो आए हैं तो देखें कि साउथ इंडियन में क्या क्या मिलता है ब्रेकफास्ट में। तो जो हमारा कैब ड्राइवर था वो रुका था ब्रेकफास्ट करने के लिए, हमने सोचा चलो अंदर चलते हैं, बहुत सुंदर जगह लग रही थी, तो अंदर जाके देखते हैं क्या क्या मिल रहा है और किस हिसाब का मिल रहा है। सब थके हुए हैं, सब नहीं सोए हैं, तो सबकी हालत ऐसी हो रही है। चलिए आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या मंगाया था। सबसे पहले आ गई है हमारी पूड़ी भाजी, जो कि काफ़ी फेमस है साउथ इंडिया में। बस यहाँ की भाजी जो होती है वो नॉर्थ इंडिया से इंटायरली डिफरेंट होती है। पूड़ी एकदम लाजवाब आई है, सब्जी भी काफ़ी अच्छी थी। पहले खाना शुरू कर देता हूँ, मेहनत लगती है, त्याग है, तुमसे नहीं हो पाता। क्या रेस्टोरेंट का नाम है क्ले ओवन, हमने खाया है पूरी भाजी और मसाला टी और मसाला डोसा। देखिए कितना सस्ता है यहाँ पर, और देख के भी नहीं लग रहा ये जगह सस्ती है।